नमस्कार दोस्तों, रेलवे GDC को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताए थे कि अब जो रेलवे बोर्ड है वह GDC को लेकर के बहुत ही एक्टिव है। जो विभागीय एग्जाम होने वाला है और जो GDC और LTC के माध्यम से जो सीट भरना है उसको लेकर के रेलवे बोर्ड बहुत ही सक्रिय है। रेलवे बोर्ड का यह आदेश है कि अधिक से अधिक संख्या में जो सीट खाली है सेफ्टी कैटेगरी का, वह GDC और LTC के माध्यम से भरा जाए। इससे पहले भी रेलवे बोर्ड के द्वारा एक लेटर आया था कि अब डायरेक्ट भर्ती का 50% सीट अब GDC के माध्यम से भरा जाएगा। यह एक रेलवे बोर्ड के द्वारा आदेश निकाला गया था। तो दोस्तों, इस रेलवे बोर्ड के इस आदेश को संज्ञान लेते हुए सभी जोनल और डिविजनल जो अधिकारी है वे अधिक से अधिक संख्या में GDC की भर्ती को निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में दोस्तों जो ईस्टर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में आता है, उनके द्वारा GDC की भर्ती अभी दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह ईस्टर्न रेलवे के द्वारा एक GDC का नोटिफिकेशन दिया गया है और यह दोस्तों ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट अर्थात गुड्स गार्ड, जिनको अब उनको ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, उनको लेकर के GDC की भर्ती अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, इसमें टोटल 108 सीट की GDC की भर्ती दिया गया है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। यह नोटिफिकेशन दिया गया है ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट से, पे यह नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं, इसे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांग रहा है, अर्थात दोस्तों ट्रेन मैनेजर की GDC की भर्ती ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत दिया गया है रेलवे बोर्ड के उस आदेश को देखते हुए। और आप दूसरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और दूसरा नोटिफिकेशन यह है दोस्तों, देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल कार्यालय नागपुर डिवीजन में भी यह लोको पायलट ALP की भर्ती GDC के माध्यम से दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह 6/5/2024 को यह नागपुर डिवीजन से यह नोटिफिकेशन दिया गया। टोटल दोस्तों लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट इसमें कुल मिलाकर 598 सीट है। यह सिर्फ नागपुर डिवीजन के लिए जो ACCR के अंतर्गत आता है उसमें लोको पायलट की भर्ती GDC को लेकर के 598 सीट इसमें दिया गया है। यह नागपुर डिवीजन के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट पर GDC की भर्ती दिया गया है। और आप देख सकते हैं, और एक और GDC की भर्ती आई है, यह देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में भी GDC की भर्ती दिया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती ALP की भर्ती रायपुर डिवीजन में भी दिया गया है। अब इसमें देख सकते हैं 672 सीट ALP का, सिर्फ रायपुर डिवीजन में 672 सीट की GDC की भर्ती दिया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार सभी डिवीजन और सभी जोन अधिक से अधिक संख्या में GDC की भर्तियां दे रही है। अधिक से अधिक संख्या में GDC से भर्ती हो, इसकी प्राथमिकता अधिक से अधिक संख्या में दिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे बोर्ड का यह एक सख्त आदेश है। तो दोस्तों, जो यह नोटिफिकेशन है, रायपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन और ईस्टर्न रेलवे, यह आप उसके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उस डिवीजन और जोन में हैं तो आप इस GDC की फॉर्म को भर कर अपने प्रमोशन पा सकते हैं एग्जाम दे करके। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है और धीरे धीरे सभी जोन और डिवीजन में भी GDC की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और बिलासपुर डिवीजन में भी GDC की भर्ती, जो अभी नॉन टेक्निकल पोस्ट की भर्ती इस बार नहीं दिया गया है, वह बहुत ही जल्द बिलासपुर डिवीजन में भी नॉन टेक्निकल पोस्ट की भर्ती, जैसे कि ट्रेन मैनेजर हो गया और भी बहुत सारे स्टेशन मास्टर हो गया और CCTC हो गया, इन सारी पोस्ट की भर्ती अब बिलासपुर डिवीजन में भी GDC की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। सभी जोन अब बहुत ही एक्टिव है, अब तो डिवीजन स्तर पर भी GDC की भर्तियां निकाली जा रही है। तो दोस्तों, जो Level 1 की पोस्ट पे जो भी कर्मचारी अभी है, उनको एक प्रमोशन पाने का उनको बहुत ही अच्छा अवसर है। रेलवे बोर्ड उनकी प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए एक सख्त आदेश दिया गया है
और इस आदेश के माध्यम से सभी जोन और डिवीजन में जीडीसी की भर्ती निकाला जा रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्द सभी डिवीजन और जोन में बहुत जल्द सारी पोस्ट के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए, सारी पोस्ट के लिए जीडीसी की भर्ती निकाली जाएगी। दोस्त हमारे साथ जुड़े रहे, मैं जीडीसी से संबंधित सारी अपडेट आप सभी तक पहुँचाते रहता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।